खाली हो गए। ये एक वैरायटी है कि जिसकी ग्रोथ ज़्यादा ऊपर जाती है और हमने साइड ऑफ कर लिया। तो ये देखिए पौधा अंदर तकरीबन धूप अगर अब सूरज 12 पे आ जाए ना ताप पे, तो इंशाल्लाह इन सारे पत्तों को इन सारे शाखों को धूप लगेगी और फिर क्या होगा कि दिन के टाइम पे जब यहाँ सूरज आएगा तो यहाँ डॉक्टर साहब खड़े हैं, फंगल डिजीज़ नहीं आती। और जितना आप हवादार बनाएंगे फंगल डिजीज़ का ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जितनी आप हवादार बनाएंगे, जितनी रोशनी वाली बनाएंगी, फंगल डिजीज़ भागेंगे। और जितना आप इकट्ठा करते जाएंगे उतनी फंगल डिजीज़ बढ़ती जाएगी। तो लिहाजा एक ये भी हवाला होता है कि हम प्रूनिंग इसलिए भी करते हैं ताकि बीमारियाँ कम है। फिर वही मैं ये मिसाल है, यहाँ पे बहुत गुंजल है, मतलब मैं समझता हूँ ये शाख छोटी शाख पर आ जाती है, तो ये मैं नरम करना चाहता हूँ, हल्का करना चाहता हूँ। तो अब हमने देखना अगर आवे ना, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार कौन सी शाख काटे। तो अगर हम सेंटर में से इस छोटी शाख को काटें, इस छोटी ये शाख जिसको काटना है, और कटर मुझे शाख जिसको काटना है, ये नहीं है कि यहाँ गुंजल है तो यहाँ से काट दे, जी जी ये गलत प्रैक्टिस होगी। शाख को जहाँ से उड़ाना है बैक से उड़ाना है, एंड से उड़ाना है, जिसने वो जहाँ से शुरू हो रही थी शाख, अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे ये घना है, ये बहुत घना है, तो हमने ये देखना होगा कि ये निकले कहाँ से, कौन सी शाख है जो यहाँ से निकल रही है। फिर अगर ये यहाँ से निकल रही है तो यहाँ से फिर उड़ा दें ताकि नीचे वाली, ये फिर पूरी शाख गई है जी जी, रास्ते में से हमने नहीं इसको रास्ते में कहीं डिस्टर्ब किए। तो जिस शाख को भी आपने करना है कोशिश करनी है कि घनापन एंड कर। और भी मामला, अभी हम दो तीन पौधों पे जाएंगे, तो शाखों को अंदर से ही कम करना है। एक तो मोटा कट लगाना है, मोटे कटों पे जोर देना है, छोटे छोटे कट, मतलब ये शाख जी पत्ता घना है जी इसको काट दो, फिर जी इसको काट दो, तो वह ना ये जो पूरा घना है इस पूरी को उड़ा दें। हमने घनापन ख़त्म करना है ना, तो इस पूरी को उड़ा दें तो ये शाख ऑटोमेटिकली फारिग हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, ये ईजी हो जाएगी, नीचे वाली वैसे ईजी हो जाएगी। और फासला बढ़ाना है दरमियान में शाखों को, ये ना हो कि दो तीन शाखें इस तरह खड़ी हैं तो आप ये दोनों उड़ा दें और ये दो रह जाए, नहीं अगर ये चार हैं तो सेंटर वाली दोनों उड़ा दें ताकि शाखें उठ रही हैं इकट्ठी। ये देखें ना 1 2 3 4 चारों शाखें सीधी उठ रही हैं, तो उन चारों शाखों में से एक शाख को अगर पल्ली को ख़त्म करते हैं तो अंदर भी खाली हो जाएगा और ये दो शाखों के दरमियानी फासला पड़ जाएगा और ऊपर से फिर डाउन। अच्छा कौन खड़ा होते हैं बात एक और बताओ, जब शाख तराशी हो जाती है ना तो दोबारा अगर कोई बंदा आए तो उसको पता ना चले कि पौधा कहाँ से कटा है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, वो पिछला पौधा ये काट के आ गए वो वाला, नीचे अगर ये गंद ना पड़ा होता तो आपको ना पता होता कि आज पौधे कटे हैं नहीं। कौन से लगी है जनवरी सर भी ठीक है, जनवरी एंड फेबर ठीक है, लेकिन इसका जो थंब रूल है एंड ऑफ विंटर एंड स्टार्ट ऑफ समर के दरमियान। मैं आपको अगर मंथ बताता हूँ तो आपका साउथ पंजाब में एंड ऑफ विंटर एंड स्टार्ट ऑफ समर, इसके दरमियान समर भी स्प्रिंग हुआ ना, स्प्रिंग का समर तो लेट होता है, मार्च नहीं विंटर, देखिए मार्च गए तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ विंटर एंड कर लेना, विंटर एंड कर लें तो आपको इस इलाके में फरवरी बनते हैं, फरवरी का स्टार्ट। अब मैं आपको बताऊँ, मुझे मौसम का सूरत हाल पता चली 3 दिन पहले कि जुम्मे के बाद, ये जुम्मा गुजरा है, इसके बाद टेम्परेचर राइज करना शुरू कर दिया। मैंने फौरी इनको कहा कि अपनी प्रूनिंग स्टार्ट करें, आप कोरे का सभी अटैक नहीं आने वाले बगैर, तो ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊं क्यों, अगर हम बता दें जी, अगर यहाँ से हम बता दें जी जनवरी में करना है, हो सकता है जनवरी में बर्फबारी हो रही हो मई में,
हमारे साथ ही है, चित्राल में शायद इससे ज़्यादा बर्फबारी हो। अच्छा, ये जनवरी मिड में ये टाइम ख़त्म हो गया था साउथ पंजाब में, अगर अच्छी खासी गर्मी होनी शुरू हो गई तो ये आपने जहन में रखना है, क्यों नहीं करवाते? जब आप प्रूनिंग करते हैं तो पौधा कहीं ना कहीं से नंगा होता है, पौधा कहीं ना कहीं से नंगा हो जाता है। फिर ये होता है कि ऊपर से कोहरा आ गया तो आधी शाखें तो आपने काट दी, आधी कोहरे ने मार दी, तो प्रोडक्शन मत करो। तो लिहाजा कोशिश हम करते हैं कि इसको एंड ऑफ विंटर के करीब लेके जाते, रूल ये है। बाकी हर बंदा अपने हिसाब से देखे, और लाजमी भी नहीं है कि हर साल शाख तराशी हो, ठीक है, लाजमी नहीं है कि हर साल शाख तराशी। एक साल आपने बहुत हैवी हाथ रख लिया तो अगले साल, अच्छा हम इनको क्यों आप हैवी हाथ रखे? पिछले साल हमारी रोड के साथ प्रूनिंग कम से कम हुई, इस साल हम इसमें हैवी हो रही, अदरवाइज इतने बड़े कट नहीं लगते हर साल। लेकिन आपने प्रूनिंग से डरना नहीं है, ये मैं बहुत मुख्तसर बता दिए शाख तराशी, वरना उसूलन शाख तराशी के लिए पूरा हमारा दिन हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं कवर कर कि आपने पौधे को नीचे से एक तने पे उठाना। ये शाख क्यों काटी? ऊपर ये शाखें बढ़े, इतने ग्रोथ ले ली थी ना, लीडर बन गए, इसको हमने कहा कि नहीं तुम रखो इनको, इनको साथ आने दो। अब इसने रोक दिया ग्रोथ, अब जब ये बढ़ेंगी तो फिर ये भी बढ़ना शुरू कर देगी, हो जाएगा। अब ये तीन शाखें हमारा फ्यूचर स्ट्रक्चर बनेगी, माइट भी हो सकता है। फिर ये होता है कि पहले साल में कोशिश करनी चाहिए कि शाख तराशी कम से कम हो पहले साल में। बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ दरमियान में, मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इसका पूरा एक लेक्चर होता है, कई चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बहरहाल ये होता है कि कम अज़ कम इतना ज़रूर याद रखें कि यहाँ से जो शाखें निकलेंगी ना आप वाटर शूट वो हर वक्त काट लें, उसके लिए कोई जनवरी फरवरी की शाखें नहीं, हर वक्त जिम्मेदार के वो जिस तरह नहीं होते इलेक्ट्रीशियन अपने प्लास और वो टेस्टर हर वक्त गले में डाले होते हैं, जेब में डाले होते हैं, तो जिम्मेदार के हर वक्त गले में कट्टर होने की, हाथ में कट्टर होने की, जब भी वो जाए इस तरह के अनवांटेड ब्रांचेज तो वो काटे, अगर नहीं काटेगा तो वो अपना नुकसान टाइम जाया करें, पौधे की खुराक चीज़ें किसी और तरफ जा रही है। तो कोशिश करनी है कि वो आपने उनको पौधे का हिस्सा ही काट सकते, कल नहीं नहीं वो निकल, वो तो नीचे जाएगा जंगल बन जाएगा पौधे। देखें कोई पौधा देख रहे हैं आप शुरू से नीचे से सारे खाली हैं, वो देखें दो दो तीन तीन शाखें सामने उठाई हैं, अपनी चुनौती बनी हुई है, कोई पौधा देखें नीचे से किसी में कोई शाख हो। इसको सर कितने टाइम हो गया लगे ये चीज़ की? हमारे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये तकरीबन है मेरे ख्याल दो साल मिनिमम। शूटिंग कितने साल बाद शुरू होती है? शूटिंग कितने साल बाद शुरू होती है? अगर अच्छा मैनेजर हो तो उसकी कमर्शियल डील पाँचवें साल आ जानी चाहिए, अच्छा पाँचवें साल शुरू होने की जब बात करें तो पहले साल भी शुरू था, और 15 साल तक 10 साल तक भी फल नहीं आ रहा। लिहाजा ये आपकी मैनेजमेंट है, अगर आप सही अच्छे मैनेजर हैं तो पाँचवें साल में ये आप पौधे हमारे तकरीबन है ये लगे थे 15 साल एवरेज। देखो हम फार्मर को कहते हैं कि आपकी 15 से 20 किलो यील्ड एवरेज आनी चाहिए, अगर ये एवरेज है तो ये कमर्शियल यील्ड है, इतनी आनी चाहिए किसी की 5 किलो। देखें एक होता है मसला हमारे इसमें सीखा, जैसे पौधा एक पौधा हमारे बाग में है, मैंने उनकी से 79 kg यील्ड देखा गया, 79 kg। इस साल मैं एक पौधा भी देख के आया हूँ, मैं गया था मेरे साथ वसीम साहब, उसका 3 मन फ्रूट निकला है, लेकिन वही पौधा उसने क्लेम किया था कि मेरा 8 मन और 5 किलो फ्रूट आया था पिछले साल उसी पौधे जो इस साल 3 मन, लेकिन दिस इज़ नॉट अ क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कि हम कहते हैं कि आप फार्मर अच्छा फार्मर वो है जो हर पौधे पे 15 से 20 किलो यील्ड ले हर साल, तो दैट्स द गुड वे।
अगर एक साल में 40 किलो है, मतलब ये कुछ वैरायटी होती है जो अल्टरनेट में भी मैंगो में ना हर हर फ्रूट ग्राम में हर फ्रूट खजूर में भी होती है, माल्टे में भी होती है, किन्नू में भी होती है, ओले में सबसे ज़्यादा होती है। अल्टरनेट बेयरिंग एक इशू है, लेकिन फार्मर मैनेज करे अपनी खाद, अपनी प्रूनिंग, अपनी मैनेजमेंट को, तो उसको कम कर सकते हैं, 100% ओवर नहीं कर सकते।